हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में, जो कि साइकोलॉजी के बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो हम इसको सी टेट, यूपी टेट और रीट इन सब से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब सी टेट के मैं डेली क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेषावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। ये एक परिभाषा है जो काफ़ी बार पूछी गई है, तो आपको इसका आंसर देना है। ये परिभाषा किसकी है? फ्रायड, गेसेल, रूसो या जॉन लॉक? तो ये परिभाषा है सिगमंड फ्रायड की, क्योंकि हम फ्रायड पढ़ रहे हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि शेषावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यह किसकी है? तो यह है सिगमंड फ्रायड की। अगली है, बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। उक्त परिभाषा किसकी है? अब देखिए, 4-5 वर्षों में फ्राई हो जाता है, मतलब किसकी है? फ्रायड की। हर लोग, ब्रजेश, वेलेंटाइन सब गलत है, यहाँ फ्राइड बिल्कुल सही होगा। आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ है वो 4-5 वर्षों में फ्राई हो जाती है, 4-5 वर्षों से फ्राइड। अगला देखिए, बाल्यावस्था निर्माण का काल है। बाल्यावस्था जो होती है वो निर्माण का काल है। ये किसने कहा था? कार्ल ब्रूस, किलपैट्रिक, रूसो, रॉस या फ्राइड? तो बाल्यावस्था को निर्माण का काल बताया था सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला देखिए, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन है? ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 1/10, 9/10, 7/10 या 3/10। तो हमारे मस्तिष्क का 9/10, 9/10, 9/10 भाग जो है वो अचेतन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर है? ये पूछा गया है आपके रीट लेवल 1 2011 में। तो आपको इस सिद्धांत का नाम बताना है। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत? तो जो प्रकार सिद्धांत है वो बताता है कि मानव मस्तिष्क बड़ी चट्टान के समान है। अगला देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, मानव की जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, उनका भंडार निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम, अहम, परमहम या इदम एवं अहम? तो आपको बताना है, तो मानव की जो इच्छाएं वो पूरी नहीं होती है, वो कहाँ दबी रह जाती है? इदम में। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही होगा। उसके बाद अगला देखिए, मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। ये देखिए, बीटेट लेवल 1 2011 में और शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया है। केटिल, आलपोर्ट, फ्रायड या साइमन बिने? तो जो मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत है उसका प्रवर्तक फ्रायड ने किया था। निम्न में से व्यवहारवादी वैज्ञानिक नहीं है। अब आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो व्यवहारवादी नहीं है। जेबी वाटसन, इयान पावलाव, सिगमंड फ्रायड या बीएफ स्किनर? तो वाटसन भी व्यवहारवादी है, पावलाव भी व्यवहारवादी, स्किनर भी, लेकिन सिगमंड फ्रायड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट, सिगमंड फ्रायड, फ्रेंच नर या थार्नडाइक? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है सिगमंड फ्रायड को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम जेम्स, ब्राइड वाटसन, सिगमंड फ्रायड या थार्नडाइक? तो मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत का प्रवर्तन किया था सिगमंड फ्रायड ने। अगला देखिए, सिगमंड फ्रायड ने चेतन व अचेतन मन का अनुपात कितना बताया है? 1/10 अनुपात 9, 10/9, 10/1 अनुपात 1/9, 10/10, 10/1 अनुपात 9/10, ये 1/10 अनुपात 9/10। तो चेतन मन तो होता है 1/10 और अचेतन होता है 9/10। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता है हल, फ्रायड, पावलाव या स्किनर? तो फ्रायड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है, जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। इदम, अहम, परमियम या लिबिडो? तो जो होता है अहम, वो वास्तविकत्व के तार्किक रूप से नियंत्रित होता है, जो वास्तविकता पर आधारित
होता है। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है, थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। मुखीय, गुदीय, प्रसुप्ति या लैंगिक, तो प्रसुप्ति अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है, ये भी 2013 में पूछा गया है। इदम, अहम, सूक्ष्म अहम या परम अहम, तो इसमें इदम जो है वो हमारे इंद्रिय सुख की भंडार ग्रह है। तो ये थे सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।